नमस्कार। सर्वप्रथम आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, जो जन सरोकार मंच से हैं, उनका हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद करती हूँ। जब उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप महिलाओं के स्वास्थ्य विषय पर मार्गदर्शन कर सकती है क्या, तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक सामाजिक योगदान है, तो मैंने भी तुरंत हामी भर दी। अब हम देखते हैं महिलाओं की जो स्वास्थ्य समस्या है वो बहुत प्रकार से है। पहली तो उनकी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं हैं, फिर थायराइड, डायबिटीज, ये तो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसके परिणाम आगे चल के आते रहते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इंसान में पुरुष और स्त्री की शरीर संरचना अलग तरीके से है। माँ को मातृत्व प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म आना ये जरूरी है, क्योंकि मासिक धर्म के द्वारा ही उसके जो बीजाणु हैं या अंडर जिसको बोलते हैं एग्स, वो बढ़ते हैं, और जब पुरुष बीज का संयोग उनके साथ होता है तो लड़का लड़की ऐसे अपत्य आते हैं। आजकल एक या दो बच्चों में भी हम लोग समाधान मान लेते हैं, क्योंकि ये आज की जरूरत है। बढ़ती हुई महंगाई, स्कूलों की बढ़ती हुई फीस, अच्छे से रहन सहन, ये सब को देखते हुए हम लोगों को ये इन सब का ख्याल रखते हुए एक या दो बच्चों में समाधान मान लेना पड़ता है। फिर भी एक या दो बच्चों में हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मोटापा आने लगता है, थकान हो जाती है। पुराने जमाने में बहुत बच्चे होते थे, कभी कभी तो एक क्रिकेट टीम जैसे घर में हो जाती थी, ऐसे भी उदाहरण देखे हैं। फिर भी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता था, कुछ तकलीफ उन्हें नहीं होती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी एक ही वजह है, हमारा जो जीवन स्तर है उसमें बदलाव आ गया है, लाइफस्टाइल। हम लोग बाहर निकलते हैं कामकाज के लिए, हमारे पास समय नहीं है, हम पार्लर में जाते हैं खुद का चेहरा चमकाने के लिए। हर स्त्री को लगता है मैं जो हूँ उससे और अधिक सुंदर लगूं, तो ये तो निसर्गतः स्वभाव है। और ये मत सोचिए पुरुष उसमें कुछ अलग है, पुरुष भी जाते हैं, लेकिन हम चेहरा तो चमकाते हैं, लेकिन हमें थायराइड की समस्या है, हाथ पाँव में दर्द है, हम मोटे हो गए हैं, हम चल नहीं सकते हैं, हम आँख से ठीक से धुंधलापन दिखता है आँखों के सामने, हमारे मासिक पीरियड है वो भी ठीक से नहीं आते, उसमें भी अनियमितता है, तो फिर ये चेहरा चमकाने का क्या मतलब है? सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखो। दूसरी बात है, आजकल काफ़ी मतलब जो भाग दौड़ है, भाग दौड़ में जैसे हमें ठीक से खाने पीने के लिए समय नहीं मिल रहा है, या ठीक से हम सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा जब कोई कहता है तो ये गलत है। हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम आधे घंटे से 3 घंटे तक का समय वहाँ व्यतीत करते हैं,
तो क्या घर में हम 1 घंटा अपने लिए नहीं निकल पाते? निकल सकते हैं, यदि हम में वो उमंग है। नहीं, हमको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो आप ये कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो ये बाह्य जो उपचार है वो लेने में क्या फ़ायदा है। एक माइकल जैक्सन का आपको उदाहरण देती हूँ। माइकल जैक्सन जब प्रसिद्ध थे, उनका अपनी एक नृत्य शैली थी उनकी। उनका ये कहना था कि मुझे 102 साल से ज़्यादा जीवित रहना है, हमेशा मैं जवान दिखना है मुझे। इसके लिए उन्होंने अपने घर में ऑक्सीजन चैम्बर बना लिया था, फिर चेहरे का भी प्लास्टिक सर्जरी कर दिया था। उसके बाद भी उनको समाधान नहीं था, क्योंकि तनाव था उनके मन में, तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन लेना चालू कर दिए थे। अब हुआ क्या, इस सब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्होंने अपनी उम्र के 60-57 भी नहीं देख पाए वो अपनी उम्र के, क्योंकि ये निसर्ग है। निसर्ग के विरुद्ध आप कभी मत जाओ, आप निसर्ग के साथ चलना सीखिए। अभी इसराइल में भी ऑक्सीजन के बहुत बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स उन्होंने बनाए हैं और कुछ उसमें संशोधन चल रहा है कि जो बढ़ती उम्र के साथ हमारे चेहरे पे ये झुर्रियाँ आती है वो आना बंद हो जाएगी। हमेशा इंसान 25-30 के उम्र में ही दिखेगा। आप कितना भी कोशिश कर दें लेकिन मृत्यु तो अटल है, वो तो आना ही है। और यदि हम ये बाह्य चीज़ों से ज़्यादा अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? जो कम कीमत बहुत अच्छा। अभी जैसे बोलते हैं कि क्लियोपात्रा जो इजिप्ट की रानी थी, बहुत सुंदर थी, उसके बाद भी वो अपनी सौंदर्यता बरकरार रखने के लिए गधी का दूध इस्तेमाल करती थी। आज भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में गधी का दूध इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। फिर भी 39 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। कोई बोलता है उसने खुदकशी कर की, कोई बोलता है कि उसको सांप के दंश से वो मर गई। जो भी है, मृत्यु अटल है, कहने का मतलब है। तो कम उम्र में इस टाइप से मृत्यु प्राप्त होने के बजाय यदि हम कम से कम अपनी जिंदगी 80 साल तक तो अच्छे से जिए, क्योंकि पहले के ज़माने में इंसान बहुत स्वस्थ रहता था, बहुत अच्छा तंदुरुस्त रहता था। पहले के ज़माने में जब लड़ाई में लोग जाते थे तो आपने देखा वो एक एक राइफल का वजन कितना था। उसके बाद वो स्टील का जो कवच जिसको चिलखत बोलते हैं, फिर सर के ऊपर भी शिरस्त्राण यानी स्टील का टोपी पहनते थे, वो भी कितना वजनदार था। फिर घोड़े की लगाम भी थामना है, एक हाथ से तलवार या भाला या जो भी शस्त्र है उसको भी चलाना है, फिर भी वो ताकतवर थे, ये सब कर पाते थे। आज तो हम एक पानी की भरी बकेट भी उठाने से हमारे हाथों में दुखने लगता है, क्रैम्प्स आना चालू हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो मासिक साइकिल है उसके जब ये शुरुआत में साधारणतः 12 से 15 साल के बच्चियों में आना चालू हो जाती है। इस समय इन बच्चियों को मासिक धर्म की अनियमितता, चक्कर आना, थोड़ा सा तनाव, ऐसा चिड़चिड़ापन, ऐसा स्वाभाविक है वो, क्योंकि ये बदलाव होते हैं। आप ध्यान से देखोगे, समाज में आप ध्यान से देखोगे या इधर उधर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा अधिकांश बच्चों में ये तकलीफें हैं।
हम भी उस उम्र से गुजर गए हैं। शुरुआती दौर में सबको तकलीफ होती है, लेकिन एक दो साइकिल के बाद वो सस्त होना चाहिए। वो नहीं होती, क्यों होती है? सबसे जैसे मैंने लाइफस्टाइल बताया, खान पान, आजकल हमने देखे लोग फल, सूखा मेवा और अच्छे पदार्थ जो घर में माँ बनाती है वो खाने को नहीं देखते। उनको बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ऐसी चटपटी चीज़ें चाहिए। और ये चटपटी चीज़ें, आप एक पिज़्ज़ा का उदाहरण लो, एक पिज़्ज़ा आप बाज़ार में जाएंगे तो 300-400 रुपए लगता है। क्या है उसमें? पिज़्ज़ा में मैदे की रोटी है, उसके ऊपर नाम मात्र के लिए कुछ सब्जियां या कुछ इधर इधर का या चीज़ ऐसे डाल देते हैं। उसमें ना पौष्टिक तत्व है, ना शरीर स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभकारी तत्व है। मैदा तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, उससे कब्ज होता है। हम घर में जो हमारी पद्धति है, जैसे पोहा है, उपमा है, ऐसी चीज़ें या सब्जी रोटी, यही बना। और हर प्रकार की सब्जी आपको खाना चाहिए, हर प्रकार के मौसमी फल आपको खाना चाहिए। आप इनको ध्यान ही नहीं देते इनके तरफ, आपको लगता है ये क्या है। जैसे आपको लगता है ये फैशन हो गया है, हम बाहर का ऐसे चीज़ें खाएंगे तो वाह वाह हम कितना। और माँ भी, हमने देखा बहुत से उदाहरण हमने देखे जहाँ माँ भी बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही कि वो क्या खा रही, क्या ये कर रही करके। दुकान में जब कभी मैं जाती हूँ तो वहाँ मैंने देखा 15-16 साल की बच्ची है। अब बच्ची तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब वो अभी अच्छी बढ़ती उम्र की है, और उसके साथ माँ वो चिप्स के पैकेट ले रही, पास्ता के पैकेट, चॉकलेट ट्रेड, मतलब ऐसी अट्रम सट्रम चीज़ें ले रही जो पौष्टिक, उसमें पौष्टिक करके हम बोल नहीं सकते उन चीज़ों को। तो ये चीज़ खाने से आपको हार्मोनल इम्बेलेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। और बहुत से जो रोग है या तो पानी से या तो पेट से होकर आते हैं। जीवन सत्व की आप में कमी होगी, हाथ पाँव दर्द करेंगे, फिर आप बोलेंगे अरे बच्ची का हीमोग्लोबिन कम हो गया है, डॉक्टर के पास जाओ फिर दवाई लो, क्या फायदा इसमें। तो ये तो मुझे लगता है ये प्रशिक्षण सबको देना चाहिए कि आपको क्या खान पान करना चाहिए। हाँ, कभी कभी शौकिया तौर पे आप थोड़ा सा ये इन चीज़ों का भी मज़ा ले सकते हो। दूसरी बात है मेनोपॉज। अब ये हो गई पीरियड की शुरुआती की, जब बच्चियाँ पीरियड का समय होता है उनकी। दूसरा है मेनोपॉज। अब मेनोपॉज साधारणतः 45-50 के उम्र में आता है। इसमें भी किसी को पीरियड में अनियमितता या बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव होना, मोटापा, थकान, चिड़चिड़ापन, ये होता है। कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि लोग गर्भाशय को भी निकाल देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गर्भाशय निकल जाने से समस्या खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, वो अंदर से सब समस्या रहती है। मेरी एक बहुत प्रिय सहेली इसी व्याधि से त्रस्त थी, मेनोपॉज के बाद कुछ नहीं हो सका। उसके बाद जैसे ये सब चीज़ें खाने से या अनियमितता हमारे रहन सहन में, खान पान में होने से, आप बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते या मिसकैरेज हो जाता है, कभी एबॉर्शन करवाना पड़ता है, कभी आप पूरे महीने स्वस्थ रहती है, जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है, आपको सिजेरियन करना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग पैसा खाने के लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका कारण है आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रहते। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए,
जैसे आपके घर में बाइक है, कार है, साइकिल ही है, आप उसका रखरखाव के तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वो बीच में रास्ते में बंद हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपको तकलीफ देना शुरू करोगी। सिर्फ पेट्रोल डालने से नहीं होता है, उसका ऑयलिंग ठीक से है कि नहीं, उसकी सर्विसिंग आप समय पे करते हैं कि नहीं। तो ये सर्विसिंग ही तो है हमारे शरीर की, जो हमको हमेशा देखभाल करते रहना है। अब पुराने समय में क्यों इतने आसानी से डिलीवरी हो जाती थी, इतने बच्चे पैदा करने के बाद तो शारीरिक मेहनत भी वो स्त्री करती थी। उस समय चक्की घर में, जैसे घरेलू चक्की जो रहती है ना, बैठ के आटा पीसना वो होता था, उसके बाद कुएं से पानी निकालना या दूर दराज से, क्योंकि नल तो नहीं थे ना, तो दूर दराज से पानी लाना, और घर में भी काफ़ी मेहनत करती थी। एक चटनी बनाना है तो सिलबट्टे पे हम पीसते तो उसमें भी कमर और पेट झुकते रहता था, तो उसमें भी कमर और पेट को व्यायाम हो जाता था। वैसे भी घरेलू कार्य बहुत करते थे। अभी हमारे पास मिक्सर है, मिक्सर में वो क्या फटाफट सब खड़े, आजकल मतलब बैठे कुछ है ही नहीं, आप खड़े खड़े ही सब काम करते हैं, खड़े खड़े खाना खाते, जल्दी 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 भागो भागो दौड़ो दौड़ो ऑफिस जाना है, ऑफिस से आने के बाद फिर बच्चों के, जिनके छोटे बच्चे हैं, होमवर्क लेने बैठ जाओ, थोड़ा देर आराम भी नहीं कर सकते आप, तुरंत किचन में जाके फिर खाना बनाना है, ये सब भागदौड़ आप करते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप खुद के लिए समय निकालिए। अभी दूसरी बात है, हमें थायराइड, थायराइड क्यों होता है, इसमें भी वही समझना है कि खुद के लिए आप समय निकल नहीं पाती। थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके गले के नीचे यहाँ रहती है, इसका कार्य है मेटाबॉलिज्म का, अर्थात शरीर के चयापचय का संतुलित कार्य रहना चाहिए, इसका ख्याल रखता है। और ये थायराइड ग्लैंड यदि ठीक से काम नहीं कर सके तो हृदय का रक्त संचरण, अन्नपाचन ठीक से नहीं होता, हृदय का रक्त संचरण ठीक से नहीं होता, वजन बढ़ना या घटना, शरीर सिर के बाल झड़ना, कमजोरी, अवसाद, तनाव, मोटापा, कब्ज, या कब्ज नहीं है तो पाखाना ज़्यादा होना, ऐसी काफ़ी समस्याएं आती रहती है। क्योंकि सही मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण वहाँ नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि और इसका असर हमारे हृदय से लेकर स्नायु और आंतरिक नैसर्गिक प्रणालियों पर पड़ता है। इसके लिए फिर हम थायरॉक्सिन 25 mg से लेकर फिर जैसे जैसे फिर डॉक्टर उसको बढ़ाते रहते हैं 100 mg तक ले हुए करें, लेकिन समस्या जो कि तो रहती है वो तो कम नहीं होती है। हाँ, इसके लिए होम्योपैथिक में उपाय हैं, मैंने भी बहुत पेशेंट्स ठीक किए हैं, क्योंकि मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, हम लोगों ने डायबिटीज़ भी ठीक किए हैं, जहाँ इंसुलिन के इंजेक्शन तक नौबत लगाने की आती है ऐसे ऐसे पेशेंट होम्योपैथिक से ठीक हो जाते हैं। आप डायबिटीज़ के लिए भी जैसे ज़िंदगी भर आप इंसुलिन की टैबलेट्स लेते रहो और ज़्यादा मात्रा में हो जाने से आपको फिर इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ते हैं हर समय, नाश्ते के पहले, खाने के पहले, मतलब ये निसर्ग के विरुद्ध हो गए ना। फिर वैसे ही हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पांव में सूजन आती है, स्नायु ऐड कर कड़क हो जाते हैं, ये भी थायराइड, थायराइड का एक प्रकार है हाइपोथायराइड, वही ज़्यादा रहता है। थायराइड के दो प्रकार है, हाइपो और हाइपर। हाइपर यानी थायराइड का जो स्त्राव है वो ज़्यादा हो जाता है,
और हाइपो यानी वो जो जितना चाहिए आवश्यकता के मात्रा से नीचे आ जाता है। इसीलिए हमें मानसिक शांति और पोषक आहार के साथ ही शारीरिक व्यायाम की बहुत जरूरत है। अब डायबिटीज में भी कैसे, कितना भी खाओ हमेशा भूख लगती रहती है, मोटापा भी आता है, ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीते हैं तो बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ता है, हाथ पाँव में झुनझुनी आती है, नमनेस हो जाता है, बधिरता आ जाती है, कोई भी जख्म आपके शरीर में होता है तो वो ठीक जल्दी से ठीक नहीं होता है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। तो ये जो पैंक्रियास करके ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है वैसे पैंक्रियास ग्लैंड है हमारे शरीर में, जो इंसुलिन निर्माण करती है। मैं मेडिकल टर्म्स और इसमें आप ज़्यादा नहीं जाऊँगी, आपको बहुत साधारण शब्दों में हमको अपने शरीर स्वास्थ्य का कैसा ख्याल रखना ये समझाऊँगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए, इसलिए ये थोड़ी सी जानकारी भी मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है और हार्ट अटैक, वैसे स्त्री में हार्ट अटैक के कम मतलब उदाहरण है, पुरुषों में ये ज्यादा होते हैं। तो अब इसके उपाय क्या है? थायराइड में आयरन की मात्रा कम होने से ये चिड़चिड़ापन और पेट की शिकायत, तनाव और भी बाकी चीज़ें, उसका परिणाम हमारे मासिक पीरियड साइकिल के ऊपर भी आता है, ये सब होता है। तो इसके लिए यदि जिसे थायराइड होता है उसको आयोडीन लेवल हमारे खाद्य में, मतलब हमारे शरीर में कम हो जाने से हमें वैसे खाद्य लेना है, वो है अंडा, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, दाल, लेकिन दाल में भी आपको छोले, राजमा, कुलथा ये नहीं लेना है। जब हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग हर रोग के लिए, उस चिकित्सा के लिए उसको ये दवाई को, हमारी जो दवाई पद्धति है वो दवाई को साथ ही उनको परहेज का क्या खाना क्या नहीं खाना इसका चार्ट और एक फिजिकल एक्सरसाइज का भी चार्ट हर पेशेंट को देते हैं जो थायराइड, डायबिटीज, रूमेटिज्म आदि व्याधि से ग्रस्त है। इसके लिए अभी जैसे थायराइड में आपको थायराइड होने से पुराने चावल खाना है, परवल, लौकी की सब्जी खाना है, करेला, मौसमी फल जो भी उस ऋतु में, आपको ये तो पता है कुदरत ने जो भी चीज़ पैदा की है वो उस ऋतु के मुताबिक की है, तो हमको उन चीज़ों का भरपूर सेवन करना चाहिए। मूंगफली, अजवाइन सभी शामिल हैं। अब क्या खाना नहीं चाहिए इसके तरफ ध्यान दीजिए। नया चावल, कुलथा, राजमा, छोला, ये तो मैंने पहले ही बताया। दालें खाना चाहिए लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, ये नहीं खाना चाहिए। टमाटर, अंकुरित अनाज, ये नहीं खाना चाहिए। और हमेशा आप एक ध्यान रखिए, कोई भी स्वास्थ्य की बीमारी हो, आपको जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तले या मसालेदार चीज़ों से परहेज करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपनी जीवन शैली को ही बदल देते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने बहुत मात्रा में सब चीज़ें और हम व्याधिग्रस्त हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मन महसूस के रह जाना, फिर और चिड़चिड़ापन, ये क्यों होता है? इसके लिए शारीरिक कसरत का अभाव और
ऐसा अन्न आप नहीं ले रहे हैं जो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और पोषक है। तो सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो एक्सरसाइज है, पहले तो मैंने आपको बताया कि बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना है, वो ये सब चीज़ें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके उनको ये तकलीफ होगी ना, वो मातृत्व में भी नहीं आ सकेगी। तो इसके लिए हमको सबसे पहले बचपन से उनको, जैसे अभी पढ़ाई भी बहुत है तो मैंने देखा बहुत घरों में जैसे नहीं बैठो पढ़ो, आपको पढ़ना है किताबें, अरे खेल खेलने के कूदने के उसके दिन है, उनको बाहर जाने दो, बाहर की हवा लगने दो। कोरोना है तो हम किसी सम्मेलन में नहीं जाएंगे, जहाँ भीड़ है वहाँ नहीं जाएंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे, ये तो है। लेकिन शरीर को ऊर्जा मिलने के लिए, हाथ पाँव चलने के लिए आपको उसको चलाना तो पड़ेगा। कोई आप गाड़ी भी नहीं ला के आप बहुत दिन उसको चलाएंगे नहीं, वैसे रख देंगे, तो जब फिर से आप चलाने लगेंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है। इसीलिए वैसे ही हमारे शरीर का है, और हम शरीर को चलाएंगे नहीं तो रक्ताभिसरण, जो हृदय में रक्त हो पूरे शरीर को जाता है, तो वो रक्त का संचार ठीक से नहीं होगा। रक्त का संचार ठीक से नहीं होगा तो हमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में आवश्यक मात्रा में आने के लिए हमें जिसमें लोह ज़्यादा है ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे टमाटो हो गए, चुकंदर हो गए, ये चीज़ों में। और हमारे शरीर में जो खून है उसमें परीक्षण करने के बाद आपको पता चलता है मैग्नीज, कैल्शियम, लोह, जिंक, पोटेशियम, ऐसे बहुत से मिनरल्स यानी खनिज होते हैं। तो ये खनिज तो हमको, हम जो फल फूल सब्जी अनाज जिस प्रकार से खाएंगे उसी से हमको मिलेंगे। हाँ, आप हर तरह का खाना खाइए, कुछ नहीं होता। आप घूमने जाएंगे घर में, आप थोड़े से, आप जैसे बचपन में पीटी करते होंगे ना स्कूल में, ऐसे ऐसे हाथ चलाना, बस उतने ही करो, हाथ पाँव चलाओ बैठे बैठे, आधा घंटा घूम के आओ, 15 मिनट जाओ, 15 मिनट आओ। शुरू में आपके कदम ज़्यादा तेज नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाओगे तो आप ज़्यादा तेज चलना चालू करोगे। उसमें क्या होगा, आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, आपको जब घर में आएंगे तो आपको फुर्ती महसूस होगी, ज़्यादा उत्साह से आप काम करना लग जाएंगे। और खाने पीने में आप तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ों का मेहरबानी से कम उपयोग कीजिए। बहुत से घरों में हमने देखा है नाश्ते में बहुत सारी मात्रा में तेल डाल के पराठे बनाते हैं, सब्जियों में तेल सब्जियों के ऊपर तैरता है, हमेशा गरिष्ठ भोजन करते हैं और शारीरिक मेहनत कुछ भी नहीं है। आप खाना भी खाते हैं तो टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, तो खाना आपको हजम कैसे होगा? खाना हजम होने के लिए हमारे शरीर से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में, पेट में, वो खाने के साथ मिक्स होके खाना सुपच्य कर देता है, और फिर जो रस है वो हमारे पूरे शरीर में खून के द्वारा फैलता है। जैसे हम फलों का रस निकालते हैं तो रस अलग हो जाता है और गुदा अलग होता है, तो वो गुदा फिर बाद में दूसरे मार्ग से निकल जाता है, ये नैसर्गिक है। अब डायबिटीज़ में जैसे मैंने बताया कि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा आपको तकलीफ, बार बार जाना पड़ेगा, बार बार प्यास लगती है तो पीना ही पड़ता है। और बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि जैसे यूरिनल की व्यवस्था जगह जगह नहीं होती है तो बहुत से स्त्री
खुद को रोक लेती है, लेकिन ये रोकना भी गलत है। किडनी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, इससे भी आगे जाके किडनी के प्रॉब्लम विकसित हो जाते हैं। ऐसी छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम खुद ही कारण हैं। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करना सीखो। अब जैसे मैंने आपको शारीरिक व्यायाम, अब दूसरी बात यह है कि जैसे हम अनावश्यक तनाव में आ जाते हैं, वो अनावश्यक तनाव क्या है? अरे उसके बच्चे ने इससे मार्क लिया, मेरा बच्चा, अरे सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका बुद्धि का घड़ा अलग अलग नाप से होता है, आप उसमें जोर जबरदस्ती में कुछ भर नहीं सकते। उसमें बच्चा भी अवसाद में जाता है, इसमें बच्चे भी आगे जाके आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये अपने विचार में हमें टालना चाहिए। अब बच्चा नहीं पढ़ाई करता, बच्चा तो अलग है, लेकिन माँ को ये चिड़चिड़ापन हो जाता है, और कभी वो खुद को इतने काम में व्यस्त कर लेती है, अरे मैं ऑफिस भी संभालूँ, घर भी संभालूँ, बच्चों को देखो, क्या है करके बेकार में चिड़चिड़ापन। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, और एक बार आप टाइम टेबल बना लेंगे उसका, तो आप उसके अभ्यस्त हो जाएगी और ये अनावश्यक चिड़चिड़ापन चला जाएगा। क्योंकि ये चिड़चिड़ापन ही आगे जाके थायराइड या जो मैंने समस्याएं बताई उसको आमंत्रण देता है। इन सबको आप टालने की जितनी हो सके कोशिश करें। अब जिनको हो गया है, डायबिटीज है, थायराइड है, या मोटापा आ गया है, अब उनको यही उपाय है कि आप चोकर वाला अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, रोटी खाइए, खुद को प्रसन्न रखिए। आप मैंने देखा जब जिसको डायबिटीज या ऐसे आते हैं ना, घरों घरों में आजकल ऐसे टोकरी टोकरी में दवाइयाँ रहती हैं, ऐसा लगता है खाना कम दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं ये लोग। आखिर वो दवाइयाँ है तो केमिकल्स, कम से कम दवाई का सेवन करना चाहिए। पता नहीं लोगों में ये भी एक हो गया है फैशन, हाँ मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो जैसे बहुत बड़ी बात हो गई, ये ठीक नहीं है। जब मुझे कोई पूछता है मैं बोलती मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं, तो सबको लगता अरे ऐसी किसी इसको तकलीफ नहीं है। आपको ये भी पता होगा, अभी मेरी तो अभी अभी मैं 72 साल में आ गई हूँ, और कुछ महीने पहले ही छः महीना पहले ही शायद मैंने एक नृत्य का कंपटीशन था उसमें भी हिस्सा लिया था। उस समय भी लोगों को ऐसा लगा कि अरे इस उम्र में ये नृत्य कर रही है। उसका कारण है कि शुरू से हम लोग सेहत का ध्यान रख रहे हैं, और ये दूसरी चीज़ बाहर की, आप यदि आपको तला हुआ चीज़ खाने का मतलब रुचि है, कभी कभार आप खा लीजिए, जैसे भजिया वगैरह हम बनाते हैं, तो घर में बनाइए। क्योंकि घर में जब भी हम बनाते हैं तो नाप तोल के उतना ही तेल लेते हैं। आप मार्केट में बाहर हलवाई के पास जाओ या दुकान में जाओ, बड़े से कढ़ाई में बहुत ढेर सारा तेल, और वो 2-4 दिन 5 दिन उसी में तलते रहते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स जमा हो जाते हैं, उसके बाद वो तेल ख़त्म होने से उसी के ऊपर वो दूसरा ताज़ा तेल डाल के फिर उसमें, तो ये हानिकारक है। आज आपको लगेगा अरे क्या होता है क्या, लेकिन ये क्या होता है धीरे धीरे नासूर बन जाता है। तो समय पे हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डायबिटीज़ में और भी एक बात है, जैसे बोलते हैं कि फल नहीं खाना चाहिए, नहीं फल खाओगी आप शुक्रोज मत खाइए, आप फ्रुक्टोज वाले खाइए। शुक्रोज यानी गन्ना या जो चीनी हम खाते हैं रोज के चाय बनाने से पहले और भी चीज़ में डालते हैं, उसको आप मत खाइए। लेकिन केला, सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, जामुन और मखाने, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी हैं। लेकिन केला और सेब को आप केवल दिन में आधा ही खाइए, और सेब तो रोज़ खाना चाहिए, आधा रोज़ आधा सेब आप खाने का
खाने की शुरुआत कर दीजिए जिनको डायबिटीज है। वैसे तो और दूसरी बात आपको बताती, अब जैसे महिलाओं को रहता है कि अरे अब इतना बना लिया बासा है, उसको वेस्ट क्यों करना है, उसको क्यों, ठीक है गैया को एक दो रोटी डाल देंगे लेकिन बाकी एक दो रोटी बच जाती तो हम खा लेते हैं, एक हद बार खा लिया ठीक है। ये रोज की आदत मत बनाइए, ज़्यादा बासा खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसीलिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है। आप जब सवेरे उठती है तो सबसे पहले आदत बना लीजिए, हर घर में तुलसी का पौधा है, होता ही है। पुराने जमाने में आप देखिए स्त्री हमेशा तुलसी का पौधा जिस गमले में, जिसको वृंदावन बोलते हैं, उसके चारों तरफ घूमती थी, सवेरे शाम दिया जलाती थी, पानी देती थी। और वो घूमना भी क्या, जैसे भगवान का नाम लेते लेते 108 बार, उसमें क्या होता था, तुलसी ऑक्सीजन और ओजोन दोनों छोड़ती है, ओजोन यानी ऑक्सीजन की एक मात्रा दी। आप उसकी तरफ घूमिए सवेरे सवेरे तो आपको ऑक्सीजन ऐसे ही मिल जाएगा, और वो भी सवेरे 7 बजे के पहले। सवेरे 5 बजे से 7 बजे के बीच में सूरज की किरणों से जो विटामिन डी हमें प्राप्त होता है वो ज़्यादा लाभकारी होता है। दोपहर में 11 से 3 के बीच में कभी भी बाहर नहीं निकलना है, उस समय अल्ट्रा रेड वायलेट्स की यानी किरणों की तीव्रता ज़्यादा होती है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरी बात है, जैसे मैंने अभी इज़राइल का उदाहरण दिया या माइकल जैक्सन का, तो हमको तो कुदरती तौर पे ऑक्सीजन ओजोन मिल रहा है तो हमको सवेरे शाम उसका लाभ अवश्य उठा जाए। सवेरे जल्दी उठने की आदत डालिए और ऐसा बना लीजिए कि नहीं उठ के, जैसे हम लोग पहले तो सबसे पहले तो गर्म पानी आपको पीना है, 2-3 ग्लास कुनकुना पानी, और एक आदत से बना लीजिए हमेशा एक कुनकुना, जैसे हम बीमार आदमी को कुनकुना जो पानी देते हैं ना, वैसे पानी हमेशा पीने की आदत डाल दीजिए, चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी हो। सर्दी में तो पीना ही पीना है, बिल्कुल ठंडा पीना नहीं है, लेकिन हमने देखा सर्दी में भी लोग फ्रीज की चीज़ें निकाल के तुरंत खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, बच्चों को भी देते हैं, ये सब हानिकारक है। माँ को खुद के साथ बच्चों के भी भविष्य का ख्याल रखना है, इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मिठाई भी हमने देखा, मिठाई ताज़ी खाना है, 1-2 दिन में उसको ख़त्म करना है। मिठाई को भी फ्रिज में रखने का एक फैशन हो गया, मसाले भी फ्रिज में रखे जा रहे, जैसे वो फ्रिज नहीं कबाड़ खाना हो गया। तो मसाले का वैल्यू क्या रहेगा, मिठाई का वैल्यू क्या रहेगा, और ऐसी मिठाई तो और भी हानिकारक है। तो मिठाई इतनी ही लाइए जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अनावश्यक मिठाई ला के उसको जैसे फ्रिज में डंप कर दिया, फिर कभी आया खाने का मन किया तो निकाला खाए, उसमें ये नहीं है। आप सब्जियां बेशक फ्रिज में रखिए लेकिन फल ज़्यादा फ्रिज में मत रखिए, फल भी बाहर ही रखिए। और अभी तो ठंड के दिन है, वैसे गर्मी में भी आप रोज ताज़ा फल लाएंगे तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रिज में आप जो भी चीज़ रखे होगी उसे ढककर रखने का हमेशा एक ख्याल रखना चाहिए, खुली चीज़ मत रखो। फ्रिज में जो आइस जमता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका यदि ऐसा परिणाम चीज़ों के ऊपर तो होगा ही, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इस बहाने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर में भी इन चीज़ों का उपयोग करके, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ख्याल में रखते आप घर में भी इसका उपयोग करोगी। अब तुलसी का तो मैंने बताया कि आपको प्रदक्षिणा लेना है तो आपको ऊर्जा वैसे ही मिलेगी,
ऑक्सीजन और ओजोन मिलने से। उसके बाद आपको जैसे आप आपने प्रातः विधि हो गया, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, आधा घंटा, हाथ पाँव गर्दन का जो भी है थोड़ा व्यायाम कीजिए, क्योंकि इनको हमेशा घुमाते रहना चाहिए, ये नहीं तो स्टिफ हो जाएंगे। पाँव को आप घूमने जाओगे तो आपके पाँव को अनायसे अपने आप कसरत हो जाएगी आपके पाँव की। उसमें जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें आपका रुधिर संचालन तेज होता है, पूरे शरीर को रक्त आसानी से मिल जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें। दूसरी बात है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये हमको ज़्यादा सिखा रही क्या, हमको कुछ मालूम नहीं क्या, नहीं ऐसा नहीं है बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत अंश बहनों के घर में मैंने ये देखा है, अपने शरीर को, जैसे हम ऑफिस में भी जाते हैं, हमारा जो ड्यूटी था ना सवेरे 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हमारा ड्यूटी था। कभी कभी तो हम लोग 8 को क्लिनिक बंद करके, वो कॉर्पोरेट क्लिनिक था, वहाँ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों डॉक्टर थे, दोनों तरह का ट्रीटमेंट होता था। तो क्लिनिक से निकलने के समय ही कोई पेशेंट आ जाता था, हमें देखिए, हम दूर से आए, बस नहीं मिली, लेट हुई, देखना पड़ता था, थक जाते थे। लेकिन यदि एक ये आदत, जैसे हमने एक आदत बनाई थी, आधा घंटा मुझे क्लिनिक पहुंचने में लगता था, आधा घंटा आने में, तो मेरा चलना ऐसे ही हो जाता था। बहुत मतलब अवॉइड करती थी मैं कुछ साधन लेने के लिए, क्योंकि व्यायाम जरूरी था, दिन भर हमें वहाँ बैठना है, और बीच बीच में भी जैसे हम लंच टाइम होता था तब भी थोड़ा चहलकदमी कराते थे, आजू बाजू में जाके थोड़ा सा रास्ते में इधर उधर करके 15-20 मिनट जो भी है कर लेते थे। कभी पेशेंट नहीं है तो रूम में बैठे बैठे अपने शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज दे दो। मतलब आपको भी ये सब करना है, आप ड्यूटी पर भी है, हम समझते हैं भागदौड़ की जिंदगी है, कोरोना के वजह से अभी घर से भी आप काम कर रहे होंगे, शायद ऑफिस जा भी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, वो आपके ऑफिस में ये लोग क्या आपसे बोलते हैं ऑफिस आओ या घर में बैठे काम करो, ये अलग है। लेकिन यदि आपका ऑफिस पास है तो कोशिश कीजिए कम से कम 3 किलोमीटर जाने का, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में यदि है आपका ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जो भी है, जहाँ भी आप जाती है काम करने के लिए, पैदल चलने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, जैसे हमने बताया व्यायाम हो गया, व्यायाम होने के बाद तुरंत आपको नाश्ता नहीं करना है, आपको थोड़ा समय देना है, व्यायाम होने के बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए गुनगुना, फिर 15-20 मिनट जाने दीजिए, फिर आप नाश्ता करने बैठिए। और नाश्ते में अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसके सेवन के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, या और भी कुछ चीज़ें, दलिया वगैरह ऐसी चीज़ें। और सवेरे के नाश्ते में प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जैसे अंकुरित धान्य है उसको ज़्यादा नहीं, 2-4 चम्मच एक आदत बना लीजिए। और नाश्ता करने के बाद आप कुछ ना कुछ फल अवश्य लीजिए दोपहर का, और सवेरे आप जो ताज़ा दही आप लगाएंगे, जैसे रात को लगाया सवेरे जम जाता है सवेरे तक, ऐसा दही खट्टा नहीं होता, ये ताज़ा दही खाने का आप आदत डालिए। और ये आदत जो आप कर रहे हो सबको लगाइए घर में दोपहर के नाश्ते के लिए, और हमेशा 4-5 घंटे का अंतर कोई भी नाश्ता खाना, दोपहर का खाना या रात के खाने में होना चाहिए। दोपहर के खाने में भी आप सबसे पहले सलाद, ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, ये जो भी चीज़ें हैं वो खाइए। रात के खाने में आप एकदम कम से कम आहार लीजिए, जैसे पतंजलि ने
हमें बताया है, आप नाश्ता करोगे उसका आधा हिस्सा दोपहर के भोजन में, उससे आधा हिस्सा रात को, और रात को सोने के पहले या तो हल्दी डाल के दूध पीजिए या तो बिना हल्दी का दूध पीजिए, और दोपहर के भोजन में छाछ लीजिए। इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, हमारी हड्डी भी तो मजबूत होना है, हमारे मसल्स मजबूत होने के लिए हमको प्रोटीन्स के बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोटीन्स हमको दालों के जरिए मिलता है, मछली के जरिए मिलता है, फिर आपका अंडा है, और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध दही इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये तीन समय में हम यदि इन चीज़ों का ध्यान रखें तो अपने आप आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। दूसरी बात, हम जब सलाद काटते हैं या कोई भी हरी सब्जी जब बनाते हैं, एक बात का आप ध्यान रखिए, हमेशा उसके ऊपर आप नींबू निचोड़िए। ये क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि कभी कभी हमारा शरीर जो आवश्यक कैल्शियम है, मिनरल्स है, उसको हमारा शरीर ले नहीं पाता है, लेकिन नींबू निचोड़ने से ये हमारा शरीर उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, आसानी से उसको खींच लेता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। और मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा मसाला शरीर में कब्ज पैदा करता है, तो खाइए, सब चीज़ें खाइए, नाप तोल के खाइए और एक समय देख के खाइए। इतना भी मतलब पेट को हमेशा थोड़ा सा खाली रखिए, ऐसा भी नहीं हम पेट भर गया फिर डकार आ रही हमको क्योंकि हजम होने रहा फिर हम सोने चले गए, ये भी हानिकारक है। दोपहर के भोजन के बाद आप आधा घंटा वाम कुक्षी यानी बाएं साइड में लेट के आपको सोना है, सिर्फ आधा घंटा आराम करना है, सोना नहीं है, आंखें मुन के सिर्फ थोड़ा सा। ये क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो बाएं साइड में है, उसके ऊपर दबाव आएगा तो हमारा शरीर का खून उसके तरफ ज़्यादा दौड़ेगा, तो अन्न पचन होने में हमको सुविधा होगी। ये सब चीज़ें हैं। दूसरी है, चाहे नाश्ता हो चाहे दोपहर का खाना या रात का खाना, तुरंत कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए आपको, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में अन्न हजम करने के लिए मतलब अन्न को बारीक करने के लिए उसमें घुलने के लिए जब आता है, तब उसमें यदि ये पानी मिक्स हो गया तो उसका जो तेज प्रभाव है वो कम हो जाता है। हाँ, बेशक आप खाना खाने के समय वहाँ पानी जरूर रखिए, क्योंकि कभी कुछ फंस जाता है गले में तो हिचकी आ जाती है, कुछ होता है, तो ऐसे समय जरूर एक दो घूंट पानी पी लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद ही पानी पीना है, खड़े खड़े कभी पानी नहीं पीना है। बहुत से लोगों की आदत है बाहर से आते खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, नहीं पीना है। उसमें आगे जाके आपको घुटनों में तकलीफ और पाँव की तकलीफ, कमर की तकलीफ ये होता है। ऊंची एड़ी के जूते सैंडल्स पहनने का शौक बहुत लोगों को रहता है, लड़कियों में ये शौक ज़्यादा है, लेकिन आगे जाके उसका आपके बच्चेदानी के ऊपर भी असर होता है, आपके कमर में हाथ पैर में तो होता ही है, इसीलिए फिर बाद में आगे जाके आपके हाथ पांव दुखने लगते हैं। ये जो लाइफस्टाइल मैं बता रही ना, ये एक लाइफस्टाइल में आता है जिस तरफ, तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप पहले किसी फंक्शन में जा रहे हैं पहन लिए वहाँ अलग है, लेकिन वो पहन के हमेशा चलना है और हमेशा पहनना है ऐसा नहीं करो। कभी कभार पहन लिया, शौक है, लड़कियाँ हैं उनका लड़कपन है तो वो तो होना ही है, जब बड़ी बड़ी महिलाओं को लगता है तो उनको तो ये शौक होना लाजमी है। तो इतना ध्यान रखिए कि आप हर चीज़ खाए, ये बर्गर खाए, पिज़्ज़ा खाए, जो भी आपका अट्टम सट्टम खाना है, लेकिन कसरत भी कीजिए
और जो चीज़ें मैंने बताई है आपको कि किस तरह से आपको खाना है, किस तरह से नहीं खाना है, इन चीज़ों का भी आप यदि ध्यान रखोगे तो आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा और आप हमेशा के लिए तंदुरुस्त बने रहेगी। तो ये तो मेरी मतलब जो आपको समझाना है वो मैंने समझा दिया, बहुत आसान तरीके से आपको बताया है, बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। अब मैं आपसे विदा लेने चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस सब चीज़ों का अवश्य ध्यान रखेंगे और अपना सेहत का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।